वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल यूके राघव। हम नंबर सिस्टम का पार्ट फोर पढ़ने जा रहे हैं। यह है नंबर सिस्टम का पार्ट फोर, डिविजिबिलिटी रूल। मैं कल बता चुका हूँ, दो चार आठ इनका डिविजिबिलिटी रूल बता चुका हूँ। फिर मैं रिकैप कर देता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने बताया है, अगर हमें दो का डिविजिबिलिटी रूल निकालना है तो हमें उसका केवल किसी भी नंबर का लास्ट एक डिजिट या लास्ट का नंबर दो से कटना चाहिए, वो नंबर पूरा पूरा दो से कटेगा। और चार के लिए लास्ट दो नंबर चार से कटने चाहिए, वो नंबर पूरा चार से कटेगा। और आठ का, जिसके लास्ट के तीन नंबर आठ से कटेंगे, वो नंबर पूरा हमारा आठ से पूरा कटेगा। और सेवन का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर कोई नंबर हमारा सेवन है, जैसे सेवन मैंने ले लिया, सेवन का फॉर्मूला मान लो आप, जैसे ए वी इक्वल ए माइनस टू बी। यहाँ पर टू, ये जो वी है ये लास्ट नंबर है हमारा। अगर अब ये भी एग्जांपल से समझ लेंगे हम कि सेवन का डिविजिबिलिटी रूल है क्या। और ग्यारह का ये है, जैसे कि कोई भी नंबर दिया हो हमें, चार अंकों का नंबर है, कितने भी अंक हो, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे मान लो आप कि कोई भी चार अंकों का नंबर है हमारा ए बी सी डी, अगर हमें उसका डिविजिबिलिटी रूल निकालना है तो कुछ नहीं करना है, ऑड इवन कुछ नहीं करना है आपके लिए। आपके लिए बस इतना ध्यान रखना है, आपको एक साइड से चलना है। जैसे आपको, अगर आप लेफ्ट से चलते हो या राइट से चलते हो, राइट से, तो राइट से आपके लिए सी माइनस डी करना है और ए माइनस बी करना है। या आप लेफ्ट से चलोगे तो वी माइनस ए और डी माइनस सी, आपके लिए ये करना है। अगर आप लेफ्ट से चलो या राइट से चलो, कहीं चलो, किसी भी पेयर, आपको ऐसे समझो आपको पेयर बनाने हैं, ये आपको पेयर बनाने हैं, ये पेयर आपको पेयर बनाने हैं दो दो नंबर के। पहले नंबर में से या तो दूसरे को घटा दो, फिर अगले पेयर में से दूसरे को घटा दो, या फिर आगे पीछे से कैसे भी करके घटा दो, बस एक पेयर में से दूसरे को, एक नंबर में से एक पेयर होगा उसके, एक आगे एक नंबर में से दूसरे नंबर को हटाना है एक पेयर में। जैसे कि मैंने बताया, जैसे हमारा सी डी एक पेयर है, तो मैंने सी में से डी को घटा दिया, प्लस अब ए बी एक पेयर है, ए में से वी को घटा दिया, जिसमें से हम घटाएंगे, जैसे मैंने सी में से डी को घटाया है तो आगे भी हम ए में से वी को घटाएंगे। अगर हम इधर से चलेंगे ऐसे ए बी एक पेयर है, तो फिर मैंने दोबारा में ये बी माइनस ए बी में से घटाया था, तो फिर नेक्स्ट पेयर में हम डी माइनस सी करेंगे। अब एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल सेवन का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं कि सेवन पे है क्या। जैसे ये दे दिया 147, अब ये मुझे चेक करना है ये सात से कटता है या नहीं कटता। तो यहाँ पर 14 मेरा क्या है, 14 मेरा ए है और सात मेरा बी है। मैंने अभी बताया था ए बी इक्वल होता है ए माइनस टू बी, तो 14 तो मेरा 14, ए मेरा ऐसे ही रहेगा ए माइनस टू बी, वी मेरा क्या है यहाँ पर, वी है मेरा सात, दो गुणा सात 14 जीरो, मतलब ये डिजिट मेरा 147 सात से पूरा कटता है। अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं, एग्जांपल ये 1001, ये चेक करना है मुझे 11 से कटता है नहीं कटता, 1001 11 से कटेगा नहीं कटेगा। डिविजिबिलिटी रूल मैंने अभी बताया था आपको, आपको दो पेयर बना लेने हैं, ये दो हो गए, ये दो हो गए, पेयर बन गई। अब मैं जीरो में से एक को हटाऊंगा, मैं राइट से चल रहा हूँ, राइट से इस वाली एक की तरफ चल रहा हूँ, अगर जीरो में से एक को हटाऊंगा तो कितना आएगा माइनस वन, और जीरो में से फिर मैं वन को हटाऊंगा कितना आएगा वन, अगर वन में जोड़ूंगा तो क्या आएगा जीरो, मतलब 1011 से पूर्णतः विभाजित है, कटता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये दिया था मुझे 121, ये मुझे चेक करना है 11 से कटता है या नहीं कटता 121। 121 के लिए मैं क्या करूँगा कि मैंने पेयर बना लिया दो, और आगे पेयर बनाने के लिए दूसरा नंबर है तो मैंने वहाँ जीरो ले लूँगा जहाँ मुझे पेयर नहीं दे, तीन अंकों की संख्या दी होगी, पाँच की दी होगी, सात की दी होगी या नौ अंकों की दी होगी, वहाँ पर मुझे उसके आगे जीरो ले लेनी है, जहाँ पेयर नहीं बनेगा उसके पेयर बनाने के लिए आगे जीरो ले लेनी है। अगर दो में से मैं एक को घटाऊँ कितना आएगा प्लस का वन, और जीरो मैंने अभी ली है पेयर बनाने के लिए, जीरो में से मैं वन घटाऊँ कितना आएगा माइनस वन, मतलब 121 भी मेरा 11 से पूर्णतः विभाजित है। ये हमने अभी जो कंसेप्ट सीखा है आप उससे भी कर सकते हो, बहुत चाहे तो आप ऐसे कर लो, इधर से कर लो, जीरो में से मैं वन घटाऊँ कितना आ जाएगा वन, ये प्लस का वन आ जाएगा, और फिर अगर वन में से मैं प्लस माइनस टू घटाऊँगा तो ये माइनस वन आ जाएगा। फिर भी आप कैसे भी कर लो, आप चाहे तो आप एक तरफ से चलना है आपको, चाहे तो आप राइट से चल लो या लेफ्ट से चल लो, ठीक है। कल मैंने जो कंसेप्ट बताए थे थ्री और नाइन के, थ्री नाइन का रूल ये है कि कोई भी नंबर तीन और नौ से जब कटेगा, जब उनका सम, मतलब उन नंबरों का सम नौ से कटेगा, तो हमें सम करने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी नंबर हमें दिया है हम ऐसे ही तुरंत आंसर करेंगे डायरेक्ट, हमें सम करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ये नंबर दिया है मैंने 5 4 3 2 x 7, ये पूछा गया है अगर ये नंबर डिविजिबल बाई 9 तो फाइंड वैल्यू एक्स, तो इसमें x की वैल्यू पूछी, अगर ये नंबर 9 से पूर्णतः विभाजित हो, तो देखो 5 और 4 कितना होता है 9, ये मैंने काट दिया 9 से पूरा कटेगा, 7 और 2 9, ये देखो ये 7, ये 2 और ये 7 ये 9,
ये भी पूरा कटेगा। मेरे पास अब 3 और x बचा, x प्लस 3। अब x की क्या वैल्यू लूँ मैं जो मुझे 9 से पूर्णतः विभाजित हो? तो x की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो है 6, जो कि 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 6। मैं दोबारा बताता हूँ, 3 और 9 से वो नंबर कटता है जिनका सम 3 और 9 से कटता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सम भी नहीं करना है, हम यहीं पर कर लेंगे। देखो 5 और 4 9, मतलब 9 से पूरा कटेगा। 7 और 2 9, ये भी 9 से पूरा कट जाएगा। अब मेरा नंबर बच रहा है 3 और एक्स, मतलब एक्स प्लस 3। अभी एक्स है, एक्स एक्स की क्या वैल्यू लूँ जो मुझे 9 से कट जाए? तो 3 तो मेरे पास है अभी, तो एक्स की एक वैल्यू पॉसिबल है, वो है 6। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 6। अब चलो नेक्स्ट सवाल लेते हैं। ये मुझे दिया गया एक्स 381, यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर ये डिविजिबल बाई 11, अगर ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो मैंने 11 का डिविजिबल टेबल बताया, मैंने कहा तुम दो पेयर बना लो, 81 और एक्स 3, ये दो पेयर हो गए। तो 8 में से मैं एक को घटा दूंगा, कितना आ जाएगा? प्लस का 7। अब एक्स में से 3 को घटाऊंगा तो एक्स माइनस 3 आएगा मेरा, एक्स माइनस 3 प्लस 7, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 4। अब एक्स की क्या वैल्यू लूँ मैं जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो? तो एक्स की वैल्यू मुझे लेनी पड़ेगी 7, 7 और 4 11, जो 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या जाएगी? 7। मैं दोबारा बता देता हूँ फिर से, यहाँ पर एक्स 381 दिया हुआ है मुझे। अगर ये डिविजिबल हो, 11 से पूर्णतः विभाजित हो, तो एक्स की वैल्यू पूछी है। तो मुझे कुछ नहीं करना है यहाँ पर, एक्स मैंने यहाँ से मैं एक इधर से चल रहा हूँ राइट साइड से। अगर एक मैं 8 में से एक घटाऊं कितना आ जाएगा? प्लस का 7। एक्स में से 3 घटाऊं कितना है? एक्स माइनस 3 प्लस 7, जोड़ दूँ एक्स प्लस 4। तो यहाँ पर एक्स की मुझे क्या वैल्यू लूँ जो 11 से पूर्णतः विभाजित? तो एक्स की वैल्यू पॉसिबल है केवल 7 लूँगा मैं, तो 7 और 4 11 हो जाएगा, जो 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये नंबर दे रखा है मुझे 4 8 3 2 7 एक्स 8 डिविजिबल बाई 11। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू पूछी है, तो मैंने तुमसे अभी कहा था जहाँ पेयर ना बने, 2 4 6 8 नंबर है हमारे यहाँ पर, यहाँ पर पेयर नहीं बने हमारा, तो वहाँ पर हम आगे 0 ले लेते हैं। तो देखो अगर एक्स 8 में, एक्स में से मैं 8 घटाऊँ कितना आ जाएगा? एक्स माइनस 8। अब 2 में से 7 घटाऊँ कितना आ जाएगा? माइनस के 5। 8 में से 3 घटाऊँ कितने आ जाएंगे? प्लस के 5। अब 0 में से मैं 4 घटाऊँगा तो कितना आ जाएगा? माइनस का 4 आ जाएगा। जहाँ पे आगे नंबर ना हो वहाँ हम 0 ले लेते हैं उसके आगे। तो प्लस 5 से माइनस का 5 कट जाएगा, ये माइनस का 4 और एक्स माइनस 8, एक्स माइनस 12 हो जाएगा। अब एक्स की क्या वैल्यू लूँ मैं जो एक से, मतलब 11 से पूर्णतः विभाजित हो? तो एक्स की मुझे प्लस 1 वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ पर 1, एक्स की वैल्यू यहाँ पर आएगी 1, जो कि आ जाएगा 11, जो 11 से पूर्णतः विभाजित होगा ये नंबर। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर है 1। तो नेक्स्ट नंबर है, ये नंबर देखा है मैं 3 4 5 6 a 9 7 1। फाइंड इफ़ डिविजिबल बाई 3, अगर ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो एक्स की ऑल वैल्यू निकालनी है, जितनी बार एक्स की ए की, या सॉरी ए है यहाँ पर, यहाँ ए की जितनी बार वैल्यू पॉसिबल होंगी वो सारी वैल्यू निकालनी है हमारे ए की। तो कैसे निकालते हैं? देखो मैंने कहा था जहाँ 3, उस 3 से वो नंबर कटेगा जिनका सम 3 से कटता है। तो देखो 5 4 9, ये 3 से कट जाएगा, 3 भी 3 से कटता है, 6 भी 3 से कटता है, 9 भी 3 से कट जाएगा। अब मेरा 7 और एक 8, तो ए प्लस 7 प्लस 1, मुझे इनका सम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कट ही जाते हैं ऑलरेडी, हमें टाइम टेक इन करना है। तो ए प्लस 7 प्लस 1 ये आ जाएगा ए प्लस 8। अब ये ए प्लस 8 आ गया, ए की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है जो मैं ले सकता हूँ? देखो ए की एक तो 1 ही आ जाएगी, 8 और एक 9 हो जाएगा। 8 तो मेरे पास है ए प्लस 8, तो 9 3 से पूरा कटता है। दूसरी वैल्यू मेरी 4 आएगी, 8 4 12, वो भी 3 से पूरा कटता है। तीसरी वैल्यू मेरी 7 आएगी, 7 और 9 और 7, 8 और 7 15, सॉरी हाँ 8 और 7 15, जो कि मेरा 15 भी मेरा 9 से 3 से पूर्णतः कटता है। तो ये मेरी इतनी वैल्यू पॉसिबल है। मैं केवल वैल्यू एक से, नंबर हमारे एक से 9 होते हैं, 9 से इससे ज़्यादा नंबर वैल्यू नहीं रखता। यहाँ भी ये डिजिट है, एक नंबर ही आ सकता है, एक या तो एक आएगा या 4 आएगा या 7 आएगा, इससे ज़्यादा अगर क्या 12, 12 नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर एक ही नंबर पॉसिबल है, एक ही नंबर आएगा, जैसे एक या 4 या 7, इनमें से कोई एक नंबर आएगा। यहाँ पर आपसे ऑल वैल्यू पूछी थी, तो वो सारी वैल्यू जो एक ही होंगी वो 1 4 7 हो जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं, ये सवाल है नेक्स्ट 8 5 7 4 8 5 4 7 a
6 b if divisible by 9 find all value a and b where b is even number. यहाँ पर b एक सम नंबर है तो a और b की वैल्यू निकालनी है हमें. अगर देखो केवल वैल्यू पूछी जाएगी तो देखो कुछ नहीं करना है. अगर ये 9 से डिविजिबल है तो मैंने कहा सम सम में से 9 का कट जाए तो 5 और 4 9 कट जाएगा, 7 और 2 9 ये कट जाएगा. अभी मेरे बच्चा 8 से 14 14 में मेरा 14 हो गया, ये 14 प्लस ए प्लस बी 14 में यहाँ पर भी 9 से एक बार कट जाएगा तो ये 5 बचेगा यहाँ पर. अगर 14 में 9 से भाग भाग करूँगा मैं तो ये 5 बचेगा केवल, 5 प्लस ए प्लस बी. और यहाँ पर मुझे ये चेक करना है कि इसकी वैल्यू क्या है. अगर देखो उसने सवाल में कहा गया वी एक ईवी नंबर है तो वी की देखो अगर वैल्यू पूछी जाएगी तो वैल्यू केवल 0 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 40 भी हो सकती है अगर वैल्यू पूछी जाएंगी. अगर पॉसिबल वैल्यू पूछी जाएंगी कि कितनी वैल्यू संभव है इनकी तो देखो एक तो 0 वी है, मुझे हमेशा इविन लेना है क्योंकि इविन क्या रखा है. फिर दूसरी वैल्यू क्योंकि 5 है मेरा, 5 और 4 9 कट 9 से पूर्ण तक कटेगा. दूसरी वैल्यू ए की मैं 2 ले लूँगा, वी की 2 ले लूँगा तो 2 और 2 4 और 5 9 9 से पूर्ण तक कटेगा. तीसरी वैल्यू में ए की 4 ले लूँगा, वी की 0 ले लूँगा तो 5 और 4 9 ये भी पूर्ण तक कटेगा. और फिर नेक्स्ट आ जाएगी मेरी अगर ए की मैं 7 ले लूँ और बी की 6 ले लूँ 13 और 5 18 ये भी 9 से पूर्ण तक कटेगा. फिर ए की अगर मैं 5 ले लूँ अगर बी की 8 ले लूँ, बी की मुझे इविन वैल्यू लेनी है वी की क्योंकि सवाल में कहा गया मुझसे वी की इविन वैल्यू लेनी है तो 13 13 और 5 18 ये भी कटेंगी. अगर मुझसे वैल्यू पूछी जाएंगी तो वैल्यू मेरी कोई भी एक हो जाएगी. अगर पॉसिबल वैल्यू पूछी जाएंगी तो पॉसिबल वैल्यू ये सारी हो जाएंगी. तो उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.